कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट टल गई है। अब ये मच अवेटेड फिल्म 6 सितंबर को रिलीज नहीं होगी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे इमरजेंसी की रिलीज पोस्टपोन हुई है? इमरजेंसी को लेकर क्या विवाद हो रहा है और इस पर कंगना रनौत का क्या कहना है, आइए वीडियो में डिटेल में जानते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ भावना सांखला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स। कंगना रनौत की अगली फिल्म इमरजेंसी भारतीय राजनीति के अहम दौर को दर्शाती है। इसमें कंगना रनौत ने सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल ही नहीं निभाया है, वे इसकी निर्देशक भी है। रिपोर्ट के अनुसार अब फिल्म को सेंसर बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी है। दरअसल फिल्म इमरजेंसी के कॉन्टेंट को लेकर बीते कुछ वक्त से विवाद हो रहा है। एक्ट्रेस को एक समुदाय ने फिल्म रिलीज ना करने की चेतावनी दी है। अब खबर आ रही है कि सेंसर बोर्ड से इमरजेंसी को हरी झंडी नहीं मिली है, जिसके चलते इसके रिलीज डेट को टालना पड़ रहा है। खबर आने के बाद कंगना ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने एक्स पर वीडियो पोस्ट करके अपना रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि उनकी फिल्म इमरजेंसी को CBFC ने मंजूरी इसलिए नहीं दी है क्योंकि बोर्ड के सदस्यों को धमकी मिली है। कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि हमारी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है। इट इज नॉट ट्रू। इनफैक्ट हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक ली गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा धमकियाँ आ रही हैं जान से मार देने की, और सेंसर वालों को बहुत ज़्यादा धमकियाँ आ रही हैं। तो हम पे ये प्रेशर है कि मिसेस गांधी की असैसिनेशन ना दिखाएं, भिंडरांवाला को ना दिखाएं, पंजाब राइट्स ना दिखाएं। आई डोंट नो कि फिर क्या दिखाएं, कि क्या हुआ कि फिल्म अचानक से ब्लैकआउट हो जाती है। सो दिस इज़ अनबिलीवेबल टाइम फॉर मी एंड आई एम वेरी सॉरी for the state of things in this country. आपको बता दें कि फिल्म इमरजेंसी पर विवाद तब शुरू हुआ था जब कुछ हफ्ते पहले इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज हुआ। इसमें खालिस्तानी नेता जर्नैल सिंह भिंडरांवाले को अलग सिख राज्य के लिए इंदिरा गांधी की पार्टी का समर्थन करने का वादा करते हुए दिखाया गया है। इससे नाराज होकर दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल ने CBFC को एक कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें सिखों को दिखाने के चलते फिल्म को रोकने के लिए कहा गया है। फिल्म की बात करें तो इमरजेंसी एक पॉलिटिकल ड्रामा है, जिसकी कहानी पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। कंगना दिवंगत राजनेता की भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने फिल्म का अकेले ही डायरेक्शन किया है। फिल्म में श्रेयस तलपड़े पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के रोल में है, अनुपम खेर जयप्रकाश नारायण के रोल में है, महिमा चौधरी का भी इसमें अहम रोल है। फिल्म इमरजेंसी की रिलीज डेट 6 सितंबर थी, लेकिन विवादों के चलते इसकी रिलीज डेट टल गई है। अब देखना होगा कि इमरजेंसी की नई रिलीज डेट कब तक आती है और इसके आगे कंगना रनौत क्या कहती है।